केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। खबर है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में कोडेड टेक्स्ट भेजने के लिए आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा था। केंद्र ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें क्रीप वाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विच, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रियर, बी चैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जोंगी और थ्रेमा शामिल हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये एक्शन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया गया। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की तरफ से जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में ओवरग्राउंड वर्कर्स और अन्य गुर्गों को कोडेड संदेश भेजने के लिए इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया था। देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले मोबाइल एप्लीकेशंस पर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार इससे पहले भी कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने देश की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही होने का हवाला देते हुए लगभग 250 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जून 2020 से सरकार ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इन ऐप्स में टिकटॉक, शेयर इट, वी चैट, हेलो, लाइक, यूसी न्यूज, बीगो लाइव, यूसी ब्राउजर, एक्सेंडर, कैनस्काना, पबजी मोबाइल और ग्रेना फ्री फायर जैसे पॉपुलर मोबाइल गेम भी शामिल हैं। इससे पहले चीनी लून और सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ लगातार शिकायतों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में 138 सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।